पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी हिदायतुल्ला की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। उसके पास राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की रेकी का एक वीडियो मिला है। NSA ऑफिस का वीडियो मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजीत डोभाल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि 6 फरवरी को कश्मीर के शोपियां में रहने वाले हिदायतुल्ला को गिरफ्तार किया गया था। जांच में उसके पास से NSA ऑफिस का वीडियो बरामद हुआ। खबरों की माने तो आतंकी ने यह बात भी कबूली है कि पाकिस्तान ने डोभाल के दफ्तर की जासूसी भी कराई। जैश आतंकी ये वीडियो पाकिस्तान स्थित हैंडलर को भेजने वाला था। घटनाक्रम के बाद डोभाल की सुरक्षा की समीक्षा कर इसे और बढ़ा दिया गया है। अजीत डोभाल के दिल्ली ऑफिस की सुरक्षा समीक्षा की गई। ऑफिस कर्मचारियों की समीक्षा की जा रही है। सामने आए वीडियो से पता चलता है कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सरदार पटेल भवन स्थित ऑफिस की पूरी रेकी की गई। इसमें नए टारगेट के तौर पर अजीत डोभाल को रखा गया। बताया गया कि आतंक के खिलाफ डोभाल की सख्त कार्रवाई पर आतंकी उन्हें निशाना बनाना चाहते थे। उल्लेखनीय है कि अजीत डोभाल साल 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हमले के बाद से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों का निशाना बने हैं। इधर द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े एक शीर्ष आतंकवादी को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से गिरफ्तार किया गया है। वह पिछले साल भाजपा के 3 नेताओं और एक पुलिसकर्मी की हत्या के सिलसिले में वांछित था। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो जहूर अहमद उर्फ साहिल उर्फ खालिद जम्मू क्षेत्र के सांबा जिले में छिपा हुआ था। उसे अनंतनाग पुलिस ने विशिष्ट सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है।